इट इज़ अ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एच आई वी इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट किट्स अवेलेबल होती है मेरे पास जो किट अवेलेबल है वो हिलजन कंपनी की है इसमें लॉट नंबर इसमें जो एक्सपायरी और टेम्परेचर वगैरह ईच एंड एवरी थिंग मैंशन होती है बैकसाइड पर इसका प्रोसीजर वगैरह और इसकी इंस्ट्रक्शनस भी लिखी हुई है सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास केसड फॉर्मेट में अवेलेबल होती है इसके अंदर वेल होता है एक टेस्ट की लाइन होती है कंट्रोल की लाइन सबसे पहले हमने एक ड्रॉप सीरम का लेना है यानी स्पेसिमेंट जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा सीरम है ठीक है हमने एक ड्रॉप सीरम का लेना है और एक ड्रॉप हमने बर्फर का लेना है ठीक है और हमने किसके अंदर डालना है वेल के अंदर फिर हम एक से दो मिनट का वेट कराएंगे और फिर हम रिजल्ट जो उसके हैं वो इंटरप्रेट कर लेंगे उन्होंने ले ले उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लाइन्स को अगर हमारे पास कंट्रोल और टेस्ट की लाइन शो नहीं हो रही इट्स मीन्स की योर टेस्ट इज़ इवेलड और अगर हमारे पास जस्ट एक लाइन शो हो रही है और वो कंट्रोल किया इट्स मीन्स योर टेस्ट इज नेगेटिव और इफ़ दोनों लाइन शो हो रही है यानी कंट्रोल की शो हो रही है और टेस्ट की भी शो हो रही है इट्स मीनस योर पेशेंट इज एच पॉजिटिव